ये जामिया कराची का है किताब मेला, गुलजार इल्म में है महका गुलाब मेला। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बुक फेयर स्टार्ट होने वाला है, आज हम जा रहे हैं बुक फेयर में। इसमें एक और चीज़ भी ऐड हुआ है, ये है कि इन्होंने अब रखा हुआ है एक व्लॉगिंग कंपटीशन, जिसमें आज हम भी अपना व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस पोजीशन में लाजमी आएंगे। बाकी आप दोस्तों का सपोर्ट है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बुक फेयर में एंटर होने वाले, जो कि 50 सालों से चलता जा रहा है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जो कि जिमनाजियम के फ्रंट पे इसका एंट्रेंस बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ मेन एंट्रेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। आज मेरे ख्याल से इस इवेंट का लास्ट डे है, क्योंकि हर साल चलता आ रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 में से 80% लोग ऐसे जो आपको चाहिए होंगे जरूर मिलेंगे। अभी यहाँ पे देखिए बैग वगैरह सारे जमा कराने। जामिया कराची हम मज़मे आलीशान, हम जामिया कराची हम फखरे पाकिस्तान, हम फखरे पाकिस्तान। बदले की तालीम से किस्मत जमीन पाकिस्तान के, करती है जो जहरे मुसलसल दस्तूरे कुरान की। बदले की तालीम से किस्मत जमीन पाकिस्तान की, करती है जो जहरे मुसलसल दस्तूरे कुरान की। तालीमी मायार मुजस्सम जामिया कराची का, जमीयत के हाथों में परचम जामिया कराची का। इस्लामी जमीयत से संगम जामिया कराची का, जमीयत ने जाने अपनी है के यू पर कुर्बान की। तैरोगे ये नहीं होता है, इस्लामी जमीयत का दरिया में फेंक देती है, चलो तैरो। और फिर उसके बाद लोग सीख जाते हैं और ऐसा सीखते हैं कि फिर उनके अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत पैदा हो जाती है, ह्यूमन मैनेजमेंट, लोगों को साथ लेकर चलना। तस्खीर दिलों को हर दम प्यार मोहब्बत से, राहे हक में जीना मरना वाबस्ता है जन्नत से। सीनों में है शौक शहादत परवा किसको जान की। तालीम से किस्मत पाकिस्तान की, करती है जो जहरे मुसलसल दस्तूरे कुरान की। बदले की तालीम से किस्मत जमीयत पाकिस्तान की, करती है जो जहदे मुसलसल दस्तूरे कुरान की। आँखों में है ख्वाब सुहाने, ख्वाबों की ताबीर है हम, जोश जुनू बेदार है दिल में, जज्बाए तामीर है हम। चाहत की तस्वीर भी हम है, वहदत की जंजीर है हम। हर सु सदाए गूंज रही है अज़्मे आली शान की। अंदर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की, इतना रश था कि आवाज़ आ ही नहीं रहा था वीडियोस में। और अंदर से क्या कहते हैं वो हाफिज नईम साहब की स्पीच भी चल रही थी और बैकग्राउंड में ही क्या कहते हैं म्यूजिक्स भी थे, तो उस हवाले से वॉइस रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं रही थी। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैं अपना माइक भी भूल के आ गया, आज रह गया घर पे क्या करें। तो जब यहाँ पे आ गए थे तो मैंने सोचा बनाना है तो है, माइक ना सही वीडियो तो बनी जाएगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और खिदमत खल के जज्बों से सरशारी है।